हाय फ्रेंड्स, मैं सरोज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मेटल कोटिंग 100 के चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जो कि एक्सरसाइज 26 का ही पार्ट है। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1 से लेके एक्सरसाइज 25 के सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कवर कर चुके हैं। जो कोई मिस कर गए हैं वो वीडियो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, प्लीज़ उसे देख लीजिए। फ्रेंड्स, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपसे मिस ना हो। फ्रेंड्स, हर एक चैप्टर अपने आप में ही खास है, क्योंकि हर एक लाइन में से क्वेश्चन आंसर बनते हैं। इसीलिए कोई भी वीडियो को आप स्किप ना करें, हर वीडियो को आप पूरा देखें, तभी आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 767। हाउ द पावर्स ऑफ ब्लेड्स आर स्पेसिफाइड। पावर ब्लेड्स को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है? ऑप्शन ए लेंथ, ऑप्शन बी विड्थ, ऑप्शन सी पिच, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। पावर सो ब्लेड जो होते हैं, हेक्सो ब्लेड, उसको कैसे डिफाइन करते हैं या स्पेसिफाई करते हैं? आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। लेंथ, विड्थ, पिच, ये सारे स्पेसिफाई होते हैं एक पावर हेक्सो ब्लेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 768। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मशीन सॉ इज यूज फॉर कटिंग मेटल्स टू डिफरेंट प्रोफाइल। निम्नलिखित में से किस मशीन आरा का उपयोग धातुओं को अलग अलग प्रोफाइल में काटने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए पावर सॉ, ऑप्शन बी सर्कुलर सॉ, ऑप्शन सी हॉरिजॉन्टल बैंड सॉ, ऑप्शन डी काउंटर सॉ। गेस कीजिए आंसर। जी हाँ, सही केस गेस किए हैं, ऑप्शन डी काउंटर सॉ। ये डिफरेंट प्रोफाइल में काट सकते हैं किसी भी एंगल से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 769। व्हिच मैकेनिज्म इज यूज टू कन्वर्ट द रोटरी मोशन ऑफ द पावर हेक्सो मोटर इनटू लाइनर मोशन। किसी तंत्र का उपयोग बिजली हेक्सो मोटर की रोटरी गति को लाइनर गति में बदलने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए क्रैंक मैकेनिज्म, ऑप्शन बी रैक एंड पिनन मैकेनिज्म, ऑप्शन सी क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ऑप्शन डी हाइड्रोलिक मैकेनिज्म। पावर हेक्सो का मोटर को जो रोटरी मोशन होता है उसको लाइनर मोशन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा मैकेनिज्म यूज होते हैं? उसमें यूज होते हैं क्रैंक मैकेनिज्म। आंसर इज ऑप्शन ए क्रैंक मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 770। सॉ ब्लेड ऑफ पावर हेक्सो मशीन इज मेड फ्रॉम। पावर हेक्सो मशीन के सॉ ब्लेड डेस से बनाया जाता है। ऑप्शन ए हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन बी हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन सी डायमंड, ऑप्शन डी लो कार्बन स्टील। गेस कीजिए आंसर। जी हाँ, हाई स्पीड स्टील। हाई कार्बन स्टील नहीं बनते हैं, ये नॉर्मल हेक्सो ब्लेड होता है, लेकिन जो पावर हेक्सो ब्लेड जो मशीन में लगाया जाता है वो हाई स्पीड स्टील से बनते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी हाई स्पीड स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 771। व्हाट प्रोविजन इज मेड विद द पावर सॉ ब्लेड टू अवॉइड जैमिंग ऑफ द टीथ एंड टू प्रोवाइड फॉर चिप क्लियरेंस। दांतों को जाम होने से बचाने और चिप क्लियरेंस प्रदान करने के लिए पावर आरी ब्लेड के साथ क्या प्रावधान किया गया है? दांतों को जाम होने से बचाने और चिप क्लियरेंस प्रदान करने के लिए पावर आरी ब्लेड के साथ क्या प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए मिनिमम पिच ऑफ द ब्लेड विल बी यूज, ये ई होगा, मिनिमम पिच ऑफ द ब्लेड विल बी यूज, मैक्सिमम पिच ऑफ द ब्लेड विल बी यूज, ऑप्शन सी टीथ ऑफ द सॉ ब्लेड्स आर ऑफसेट और वेब्ड, ऑप्शन डी ऑलवेज यूज कोर्स पिच ब्लेड। गेस कीजिए आंसर।
पावर हैक्सो ब्लेड जाम ना होने के लिए क्या किया जाता है? उसका जो टीथ होता है स्लो सो ब्लेड वो ऑफसेट किया जाता है या फिर वेड फॉर्म में रहते हैं, तभी ये जाम नहीं होंगे। आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 772। व्हाट शुड बी द मिनिमम टीथ ऑफ द ब्लेड विल बी इन कॉन्टैक्ट विद द वर्क? ब्लेड के न्यूनतम दांत क्या होने चाहिए जो काम के संपर्क में होगा? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। जो ब्लेड होता है उसका जो टीथ होते हैं कि मिनिमम कितने होने चाहिए जो वर्क के साथ टच होंगे? आंसर इज ऑप्शन बी, मिनिमम 2 टीथ होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 773। व्हाट शुड बी द पिच ऑफ ब्लेड इज रिकमेंडेड फॉर कटिंग हार्ड मटेरियल, टूल स्टील एंड थिन मटेरियल? हार्ड सामग्री टूल स्टील और पतली सामग्री को काटने के लिए ब्लेड की पिच क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 30। हार्ड मेटल को काटने के लिए हेक्सो ब्लेड का जो पिच होगा पावर हेक्सो ब्लेड वो मिनिमम कितना होना चाहिए? आंसर इज 14, ऑप्शन बी। पिच यानी ये होता है हेक्सो ब्लेड, यहाँ से यह जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं पिच, तो ये मिनिमम 14 होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 774। व्हाट शुड बी द पिच ऑफ ब्लेड इज रिकमेंडेड फॉर जनरल पर्पज सोइंग? सामान्य प्रयोजन काटने के कार्य के लिए ब्लेड का पिच क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 30। आंसर इज ऑप्शन ए 10। जो जनरल पर्पज सोइंग के लिए उसका जो पिच होना चाहिए हेक्सो ब्लेड का पिच वो मिनिमम 10 होने चाहिए जनरल पर्पज हेक्सो सोइंग के लिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। थैंक यू।